हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन मैथ। और आपको पता है हमारा जो टॉपिक है रैशनल नंबर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके जो डाउट्स हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे किसी क्वेश्चंस में, उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप भी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, हो सकता आपका भी उसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आज आपका क्लियर है जो डाउट वो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बी एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट था। क्वेश्चन आया हमारे पास वेरीफाई दैट माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 7/6। हमने ये वेरीफाई करके दिखाना है। मेरे को नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए थी, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कितनी आएगी जी हमारे पास, माइनस इंटू माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आप पुट कर दीजिए कितनी है, 7/6। आपको पता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना होता है, प्लस 7/6, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 7/6। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बन रही है, जी हाँ, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आंसर इज वेरीफाइड, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन है, बी ऑप्शन है, वो भी आप सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपका डाउट था वेरीफाई, इसको भी आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, और एक्स और वाई की वैल्यू हमें गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 3/4, वाई इज इक्वल टू 6/7। तो चलिए पहले भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज माइनस इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 3/4, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6/7। तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, 28 एलसीएम आ गया। 28 डिवाइड बाय 4 7, 7 मल्टीप्लाई 3 21, 28 डिवाइड बाय 7 4, 4 मल्टीप्लाई 6 24, तो ये हमारे पास हो जाएगा 45/28। मींस आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का -45/28। तो चलिए आप राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक है। तो माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/4, प्लस माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 6/7, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3/4, प्लस मल्टीपाई माइनस है जो माइनस होता है 6/7। इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, 28 एलसीएम फिर आ गया। 28 डिवाइड बाय 4 7, 7 मल्टीपाई माइनस 3 माइनस 21, 28 डिवाइड बाय 7 4, 4 मल्टीप्लाई 6 24, तो ये हमारे पास हो गया -45/28। क्या यही लेफ्ट हैंड साइड है, जी हाँ यही लेफ्ट हैंड साइड है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आंसर इज वेरीफाइड। तो इसकी भी आपके पास एक और क्वेश्चन है बी, वो आपने सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट सी एक्सरसाइज का 13 नंबर क्वेश्चन में आपका डाउट है। तो ये भी हमारे पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जो रिलेटेड है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो मेरे को नहीं लगता इसमें आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए थी, बिकॉज रैशनल नंबर से रिलेटेड है जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज वो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं पूरी डिटेल में, ठीक है। वो भी हमारी आप वीडियोस है जो देख सकते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने इनके बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए फिर भी अगर आपका डाउट आया तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि विच ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। हमने बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है, किन कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से एक प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई नहीं हो रही है, तो हमने बतानी है कि वो कौन सी है। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन से ही हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास अगर 3 रैशनल नंबर्स हों ए बी एंड सी, ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी है जो इक्वल होता है किसके, ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई सी के। मीन्स आप किसी भी ग्रुप में आप उनको मल्टीप्लाई करिए रैशनल नंबर्स को, कोई इफेक्ट वहां पे नहीं पड़ने वाला है। क्या ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई हो रही है, जी हाँ जे रही, 8 मल्टीप्लाई 4 इंटू 1/4, यहां पर ब्रैकेट लगी हुई है, लेकिन यहां पर ब्रैकेट है जो 4 एंड 1/4 पे आ गई, 8 बाहर हो चुका है, तो ये प्रॉपर्टी तो इन्वॉल्व हो चुकी है, मीन्स ये ऑप्शन में नहीं आ सकती, ठीक है, हमने बतानी है जो नहीं इन्वॉल्व हो रही। चलिए नेक्स्ट
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने बताया था कि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 6, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/6, मींस उसका रेसिप्रोकल। मान लीजिए एक नंबर है 3/5, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होता है 5/3, ठीक है। तो क्या ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है? जी हाँ, दे रही हो रही है। 4 × 1/4, तो 1/4 है या 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही है, तो ये प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो चुकी है, इट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं आ सकती। तो चलिए डी नंबर ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वन, प्रॉपर्टी ऑफ वन बहुत ईजी थी ये। वन क्या कहता है कि किसी भी रैशनल नंबर को वन के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर को कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा, वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है? जी हाँ, ये हो रही है। 8 × 1 = 8 ही आ गया, ठीक है। तो ये आंसर भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन बची? सी। सी ऑप्शन श्योर है कि यही आएगी, ठीक है। अब आपको बता भी देते हैं कि क्यों आ रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हों ए एंड बी, ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बी है जो इक्वल आता है किसके, बी मल्टीप्लाई ए के, मीन्स ए और बी का ऑर्डर है जो चेंज कर दें तो मल्टीप्लीकेशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है? जी नहीं, कहीं भी आपको ऑर्डर है जो वो चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी जो सी नंबर ऑप्शन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हमारा डाउट है जो एक्सरसाइज फर्स्ट सी का ही 15 नंबर क्वेश्चन है। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू, इनमें से हमने बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सिंपल सी स्टेटमेंट है जो ये दो वाली लास्ट वाली, ठीक है, इनको उठा लेते हैं, बाद में इनसे देखेंगे। अगर मान लीजिए ये ट्रू ना हुई हमारे पास, ये फॉल्स हो गई, तो हम इनको चेक करेंगे। पहले जो ईजी है उसको हम चेक कर लें, ठीक है। तो चलिए पहले सी नंबर ऑप्शन हम चेक करेंगे, ठीक है, क्या पता यही सही हो जाए, है ना। चलिए 0 ÷ −13/14, तो डिवीज़न हम कैसे करते थे? डिवीज़न हम करते थे कि इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दीजिए और इसका ऑर्डर है जो इसका रेसिप्रोकल है जो कर दीजिए। ये हमारे पास आ गया 0 × ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप लिखेंगे ये हो जाएगा −14/13, ठीक है। तो इसके नीचे आप 1 लगाइए, 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, बिकॉज 0 है जो रैशनल नंबर है, ये P/Q की फॉर्म में हो जाता है कैसे, अगर इसके नीचे 1 लगा दें, ठीक है। तो चलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना आ गया ये हमारे पास 0 × −14, तो 0 को तो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। 0/13 मीन्स 0, ठीक है। क्या राइट हैंड साइड 0 है? जी हाँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करके देखा था, उसका आंसर 0 बन रहा है, तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है। इट मींस ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट हो चुकी है, मींस सी नंबर ऑप्शन है जो वो ट्रू है, ठीक है। मींस आपको दूसरी ऑप्शन है जो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑप्शन सी को हमने शुरू किया था, वही हमारे पास सही ऑप्शन है, ठीक है। सो सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट डाउट था आपका फर्स्ट डी एक्सरसाइज 9 का बी, ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन आपका था कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स देयर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ये बोल रहे हैं कि अगर दो आप डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर ले लें, मान लीजिए कोई भी आप दो डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक है 3/5 और सेकेंड है हमारे पास 4/5, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन है कि उनके बिटवीन है जो ऑलवेज रैशनल नंबर मिलेगा, हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो हमने बताया था कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स में जो डिस्टिंक्ट हो उनके बिटवीन आप कितने रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं फर्स्ट डी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अगर आपने इनके बिटवीन जितने मर्जी, मान लीजिए मैंने 100 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 101 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास 100 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो इन्होंने तो बोला है कि एक रैशनल नंबर होता है उनके बिटवीन, तो ये तो पक्का ही है, श्योर ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको इनफाइनाइट मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स देयर इज ऑलवेज आर रैशनल नंबर्स, दिस इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट आपका डाउट है फर्स्ट ई एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स, ये लास्ट हमने एक्सरसाइज डिस्कस की थी। तो वर्ड्स प्रॉब्लम पहले मैंने आपको बताया था कि इनका मीनिंग है जो वो कैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके बाद सोल्यूशन है जो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। तो आपको आई थिंक आपको इसका मीनिंग है जो वो क्लियर नहीं हुआ, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इफ 1/3 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स मीन्स होता है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा होना, ठीक है। इफ 1/3 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/1, फाइंड द नंबर, हमने एक नंबर फाइंड करना है जिसका 1/3 ऑफ अ नंबर है जो
वो ग्रेटर है, एक्सीड मीन्स ग्रेटर है किससे, इट्स 2/7 मीन्स 2/7 ऑफ दैट नंबर, कितना ग्रेटर है 1, ये नंबर है जो 1/3 ऑफ नंबर वो ग्रेटर है किससे, 2/7 ऑफ नंबर से, कितना ग्रेटर है 1। ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ पर नंबर है जो नहीं पता यही हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर बी एक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1/3 ऑफ नंबर दैट इज 1/3 ऑफ एक्स ग्रेटर होना चाहिए किससे, 2/7 ऑफ एक्स से बाय 1, कितना ग्रेटर है 1। जैसे आप मान लीजिए कि 7 है जो 6 से 1 ग्रेटर है, ठीक है, कितना ग्रेटर है 1, तो अगर आप 6 में 1 प्लस कर दें तो क्या ये इक्वल हो जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये है जो इससे 1 लेस है, इट मीन्स हम इसमें 1 प्लस करेंगे, ठीक है, तो इसके इक्वल रख देंगे, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/7 ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, आप दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करिए, 1/3 ऑफ एक्स मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई एक्स एंड 2/7 ऑफ एक्स मीन्स 2/7 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, तो ये हमारे पास हो गया एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 2x अपॉन 7 इज इक्वल टू प्लस 1, 2x/7 प्लस 1। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x वाली जो भी टर्म्स हैं उनको आप लेफ्ट साइड पे ले आइए, x बाय 3, ये 2x/7 इधर है, ये प्लस का इधर, तो इधर आके हमारे पास हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 1, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, 7 और 3 का एलसीएम हमारे पास आ गया 21 डिवाइड बाय 3 7 मल्टीपाई एक्स 7x माइनस 21 डिवाइड बाय 7 3 मल्टीपाई 2x 6x इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास हो गया 7x माइनस 6x कितना हो गया 1x अपॉन 21 इज इक्वल टू 1, तो 21 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 21, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 21, तो जो नंबर हमने फाइंड करना था वो कितना है 21 है। ठीक है, सो नंबर बी 21, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे कि इसी नंबर का आप ये रफ वर्क में आपने सॉल्व करके देख लेना है, वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारा आंसर है जो करेक्ट है या नहीं, 1/3 ऑफ अ नंबर आप फाइंड करिए, तो 1/3 ऑफ 21 कितना होता है 7। ठीक है, वैसे ही आप 2/7 फाइंड करिए, 2/7 ऑफ 21 कितना होता है हमारे पास 6। ठीक है, तो ये नंबर है जो इससे कितना ग्रेटर है 1 ग्रेटर है, इट मीन्स हमारा आंसर है जो 21 ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 21 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वर्स फर्स्ट डी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे हम हंसते हंसते इसको सॉल्व कर देंगे, देखना कैसे करते हैं। ठीक है, इन द लास्ट 3 मंथ्स मिस्टर शर्मा लॉस्ट 5 1/2 kg, मिस्टर शर्मा जी है इन्होंने 5 1/2 kg जो वेट है वो लॉस्ट कर दिया। ठीक है, मीन्स पतला होने की तैयारी में है ये, है ना, दुबले पतले होना चाहते हैं कौन, मिस्टर शर्मा। ठीक है, चलिए इनका फेस बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इन्होंने लॉस्ट कर दिया वेट, कितना 5 1/2 kg लॉस्ट किया, मींस इनका वेट कम हो चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिखी है। ठीक है, पहले रफ वर्क में समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए एंड गेन 2 1/4 kg। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दोबारा से गेन कर लिया, नेक्स्ट मंथ उन्होंने वेट है, फर्स्ट मंथ उन्होंने डिक्रीज किया था हमारा अपना वेट कितना 5 1/2 kg, और नेक्स्ट मंथ सेकंड मंथ, ये फर्स्ट मंथ का है, तो सेकंड मंथ उन्होंने अपना वेट है जो वो इंक्रीज कर चुके हैं। ठीक है, कितना 2 1/4 kg, इसको हम प्लस लिख लेते हैं, क्या कर रहे हैं ना, पहले घटा लिया वेट उसके बाद फिर बढ़ा लिया। ठीक है, तो चलिए थर्ड मंथ देखते हैं क्या करते हैं, देन इन द थर्ड मंथ 3 3/4 kg फिर उन्होंने लॉस्ट कर दिया। ठीक है, दोबारा से ना किसी ने बोल दिया होगा फिर से दोबारा से मोटे हो गए हो भाई, तो दोबारा से वेट आयो उन्होंने कम किया है कितना 3 3/4 kg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ नाउ वेट 95 kg, अब उनका वेट कितना है 95 kg है, देन हाउ मच डिट मिस्टर शर्मा वेट्स टू बिगन विद, ये पूछ रहे हैं कि पहले उनका वेट कितना था।
तो चलिए उस हमें नहीं पता कि 3 मंथ पहले उनका वेट कितना था, ठीक है, यहाँ पे तो हम इसको लेट कर लेते हैं कितना एक्स केजी, ठीक है, लेट मिस्टर शर्मा, लेट मिस्टर शर्मा वेट टू बिगेन विथ एक्स केजी, पहले उनका वेट मान लीजिए 3 मंथ पहले एक्स केजी था, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं ये एक्स, उसके बाद डिक्रीज हुआ कितना 5 1/2 कर दिया डिक्रीज 5 1/2, ठीक है, उसके बाद इंक्रीज हुआ प्लस कर दिया कितना 2 1/4, उसके बाद फिर डिक्रीज हुआ कितना आ गया 3 3/4, ठीक है, तो अब उनका वेट कितना होना चाहिए था, कितना 95 kg, समझ आया यहाँ तक, ठीक है, पहले लट गया था एक्स वेट कितना 3 मंथ पहले, उसके बाद इतना डिक्रीज किया, फिर से इंक्रीज किया, फिर से डिक्रीज किया, तो 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, अब उनका वेट कितना है 95 है, इट मींस इसके इक्वल होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वो इसका वेट हो जाएगा, चलिए जल्दी से फाइंड करिए कितना आ जाएगा ये 5 2 10 + 1 11/2 8 + 1 9/2 9/4 - 4 3 12 + 3 15/4 = 95/1 लिख लीजिए, ठीक है, तो चलिए इन सभी को आप उधर ले जाइए 95/1, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 11/2, ये माइनस हो जाएगा 9/4, ये फिर प्लस हो जाएगा 15/4, तो चलिए इनका एलसीएम ले लीजिए 1 2 4 4 का एलसीएम हमारे पास 4 ही आ जाएगा, ठीक है, तो 4 / 1 4 इट मींस 95 × 4, 4 / 2 2 इट मींस 11 × 2, माइनस 4 / 4 1 मींस 9, 4 / 4 1 मींस 15, तो चलिए जल्दी से सॉल्व करिए 5 4 20 2 9 4 36 + 2 38 + 22 - 9 + 15/4, तो चलिए प्लस वाले कितने हो गए 380 + 22, पहले इनको प्लस कर लें, ये हमारे पास हो जाएगा 402, तो यहाँ से 15 - 9 कितना आ गया हमारे पास +6/4, तो ये कितना हो गया 408/4, ठीक है, तो इनकी आप कटिंग कर दीजिए कितना आ गया ये 102 मींस 102 kg, ठीक है, तो पहले उनका वेट है जो कितना था 102 kg था, ठीक है, उसके बाद उन्होंने डिक्रीज किया दोबारा से, फिर उनको टेंशन हो गई, ठीक है, उन्होंने फिर इंक्रीज कर लिया, फिर किसी ने बोल दिया कि आप पतले हो रहे हो, फिर किसी ने बोल दिया कि आप दोबारा से मोटे हो रहे हैं, तो फिर से उन्होंने अपना वेट डिक्रीज कर लिया, अब उनका वेट कितना है 95 kg है, पहले 102 kg था 3 मंथ पहले, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो अच्छी बात है कोई वेट डिक्रीज कर रहा है ना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का जो डाउट क्लास है, इसमें हमने आपके डाउट्स हैं जो डिस्कस किए हैं, मेरे अकॉर्डिंग आपका चैप्टर फर्स्ट है जो क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उनके भी डाउट्स हैं जो क्लियर हो सकें, ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल्सो आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का आप नोटिफिकेशन है जो जल्दी से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।